हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा जो हमारा ओप्पो रीनो 10 5G फ़ोन है, तो ओप्पो रीनो 10 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, फाइल ऑप्शंस पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में फ़ोटोज़ वगैरह को कैसे देख सकते हैं, या प्राइवेट फ़ोटोज़ को आप कैसे देख पाएंगे फाइल ऑप्शंस पे जाकर अपने ओप्पो रीनो 10 5G फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि प्राइवेट फ़ोटोज़ वगैरह को आप कैसे देख सकते हैं एंड आप कैसे शो कर सकते हैं प्राइवेट फ़ोटोज़ को फाइल ऑप्शंस में। तो आज हम बताने वाले हैं कि प्राइवेट फ़ोटोज़ को कैसे देख सकते हैं एंड प्राइवेट एल्बम्स भी आप कैसे देख पाएंगे अपने फाइल्स पे। तो बताने वाले हैं, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आइकन शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपके पास ऑप्शन आ जाता है, ऑप्शन आ जाता है आपके फ़ोन में, देख सकते हैं आपके फ़ोन में फाइल ऑप्शंस। तो फाइल पे जाकर भी फ़ोटोज़ एंड वीडियोस को आप देख सकते हैं फाइल ऑप्शंस पे जाकर, जिसका आप यूज़ भी कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आपको बस प्राइवेट गैलरी फ़ोटोज़ पे जाना है, कोई भी फ़ोटो जैसे आप हाइड करते हैं तो सिंपली कुछ इस तरीके से पासवर्ड डाल के हाइड कर सकते हैं, छिपा सकते हैं अपने फ़ोन में। तो कुछ इस तरीके से फ़ोटोज़ को आप हाइड कर पाएंगे और छिपा सकते हैं फाइल्स पे जाकर, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं और साथ में ही देख सकते हैं कि आप अपने फ़ोन में आप प्राइवेट एल्बम्स को देख पाएंगे सेफ फोल्डर्स के जरिए। सिंपली पासवर्ड डालते हैं तो प्राइवेट गैलरी आ जाएगी, जहां से फ़ोटोज़ को आप इस तरीके से शो कर सकते हैं और किसी भी फ़ोटोज़ को डिलीट भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करके, या फिर मूव आउट भी कर सकते हैं यहां से और स्क्रीन पर भी शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ़ोटोज़ को देख सकते हैं, प्राइवेट एल्बम्स भी आप देख पाएंगे फाइल ऑप्शन पर जाकर। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार।